तो अभी आप सोच लो होनिस्टा के अंदर भी राउंड एंगेज वाली रील शेयर कर सकते हो, वो भी जो टाइमर एंड राउंड एंगेज के साथ में विदाउट केनी ऐप के साथ में। और इसके साथ में आप काफ़ी न्यू इसमें iOS 74 वाली इमोजी भी देख पाओगे एंड न्यू फंड भी इसमें बहुत सारी ऐड की है और वो भी एकदम फुल HD क्वालिटी में देख सकते हो। इसमें बहुत सारी न्यू इमोजी वो भी ऐड हो गई है। इसमें एक लैरिंग टूल भी जो मना इनेबल हो गया, जिसमें हम किसी भी पोस्ट को जैसे भी अपनी स्टोरी पे शेयर करेंगे एंड शेयर करने के बाद जैसे उसको देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट को शेयर किया एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा उसकी गैलरी के अंदर एंड यहाँ से गाइस मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी फोटो, ठीक है, यहाँ जाऊँगा एंड थोड़ा सा वेट करूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोटो के ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ से अपने कोई बैकग्राउंड को चूज कर लूँगा एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को थोड़ा सा साइज में कर लूँगा मैं उसको बड़ा अपने साइज के हिसाब से, ठीक है, एंड इसको होल्ड रखूँगा एंड ये टैप टू करूँगा तो देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है वो लैरिस के ऊपर पोस्ट के नीचे आ गया एंड ये देखने में काफ़ी यूनिक लगता है। एंड इसमें काफ़ी न्यू सेटिंग भी ऐड करती है, जैसे आप सेटिंग के ऊपर टैप करोगे एंड यहाँ पे आओगे थीम एंड UI के अंदर तो आपको पता, सभी को पता है कि यहाँ पे इमोजी सेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे क्या देख सकते हो इमोजी के टैप करोगे तो आपके सामने को ऑप्शन आएगा iOS 17 फॉर इमोजी पैकेज को सिंपली टैप करोगे तो मैंने ऑलरेडी इमोजी ऐड की इसलिए ऑलरेडी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद नीचे ऑप्शन में आओगे ऐड टू स्टोरी फन, उसके ऊपर सिंपली सबको टैप करना है एंड ये यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रॉम टू गैलरी लोकल स्टोरी दिखेगा नाम, तो यहाँ पे आप लोकल स्टोरी पर टैप करोगे एंड यहाँ पे चले जाओगे फाइल्स के अंदर, यहाँ पे मैंने कहा आपको लिंक दिया एक फोल्डर का iOS ओरिजिनल फंड वाले का, ठीक है, इसको टैप करोगे एंड यहाँ पे आपको क्लिक पॉइंट के ऊपर क्लिक रखोगे एंड इसको होल्ड करोगे एंड ऊपर 3 डॉट को भी क्लिक करोगे एंड ऑल सेलेक्ट को भी सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन देखेगा तो सबको आप यहाँ सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे हम सबको सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको वेट करोगे देख सकते हो हमारे जो सारी फंड है उसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो गई है एंड हम फिर से कुछ सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे आएंगे इंस्टाग्राम सीक्रेट्स ऑप्शन में, ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद कैसे यहाँ पे हम सर्च के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेवलपर, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन लेकर तो यहाँ पे डेवलपर लिखते हैं मैं ऑप्शन आएगा, मैंने इनेबल कर दिया, आप इसको और इनेबल कर देना, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, एक बार इंस्टाग्राम को यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद जैसे हमारा ऑन स्टॉन होगा तो यहाँ पे हम होम आइकन और थोड़ा होल्ड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो न्यू ऑप्शन आएगा गो टू डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, तो इसके ऊपर टैप करोगे एंड इसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेटा कॉमरबेंस सेटिंग का, ठीक है, ये वाला ओवरड्यू वाला, तो सिंपली इसके ऊपर कुछ नहीं करोगे मेटा कॉमरबेंस सेटिंग के ऊपर टैप करोगे एंड इसके अंदर चले जाओगे। अब क्या जब सर्च पे जाकर आपको कुछ ऑप्शन सर्च करने भी गए तो यहाँ पे आपको सर्च जाकर सर्च करना है वीडियो स्टिकर माइग्रेशन, ये वाला आप नाम सर्च करोगे तो आपको 3 डॉट के कुछ ऑप्शन आएंगे तीनों, इन तीनों को आप सिंपली चेंज करना इनेबल कर देना, ठीक है। तो ये इनेबल होने के बाद आपके रील शेयर हो जाएगी, यहाँ पर दूसरी बार जाओगे एंड दूसरी बार में यहाँ पे आपको सर्च करना है लेयरिंग, ठीक है, तो लेयरिंग सर्च करने के बाद ये दो ऑप्शन होंगे, इनको भी हमें इनेबल सिंपली से कर लेना, ठीक है, ये इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो स्टोरी वो भी एकदम पूरे ऊपर iOS की तरह दिखने लग जाएगी। तो गाइस मैं जाऊँगा रील्स के सेक्शन पे एंड यहाँ से एक रील्स को लूँगा एंड रील्स के ऊपर टैप करूँगा एंड देख सकते हो मैं रील्स को शेयर ऑप्शन के ऊपर टैप करूँगा, रील शेयर हो जाएगी एंड शेयर होने के बाद देख सकते हो जो हमारी रील्स है वो एकदम राउंड निकल की तरह आईफोन की तरह आ गई है एंड इसमें काफ़ी कई यूनिक सिस्टम भी कर सकते हो, जैसे इमोजी में आपको फंड भी दिखाता हूँ फंड कौन से यूज़ हो रही है, तो कहीं जाकर जाकर मैं कुछ नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो न्यू इमोजी, तो देख सकते हो जो हमारी सारी की सारी iOS वाली जो न्यू फंड है देख सकते हो सारी की सारी फंड यहाँ पे 100% वर्क कर रही है, होनेस्टा के अंदर सारी की सारी ऑल फंड यहाँ पे 100% ब्रैन्युअली वर्क कर रही है, ठीक है, ये होगा फंड का, ठीक है। उसके बाद भी कुछ न्यू ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस फंड को साइज में जाकर एडजस्ट कर दूंगा एंड उसके बाद इसके अगर बैकग्राउंड को तो मैं चेंज करना है तो ठीक है 3 डॉट को टैप करोगे एंड यहाँ पे ड्रॉप को क्लिक करोगे एंड नीचे आओगे, नीचे कोई भी अपना एक पसंद से कलर को चूज करोगे, ठीक है, एंड अभी आप क्या करोगे यहाँ पे होल्ड ड्रॉप होगे तो देख सकते हो हमारा व्हाइट कलर है, मैंने व्हाइट चेंज कर दिया है एंड यहाँ से ऊपर से मैं ओके कर दूंगा तो देख सकते हो हमारे इसके जो पीछे का बैकग्राउंड वाला कलर है वो चेंज यहाँ पे हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।